बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के सारे नेमतों का शुक्र अदा करने के बाद आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। आज हफ्ते का दिन इनके साथ गुजरेगा और कामों में गुजरेगा जी, क्या बात है। और आपको एक नई चीज़ मैं दिखा देता हूँ जी, अपनी कट्टी की हमने हेयर कटिंग की है जी, इसकी स्टाइलिश किस्म की है जी, ऐसा स्टाइल आपने कभी नहीं देखा होगा। थोड़ी सी कटिंग मैंने की है और देखें जी कैसे फूल बन गए हैं जी। अभी खोलते हैं जी बकरी को, सुबह से इन्होंने शोर मचाया हुआ है और फिर चलते हैं जी। राम लाल राम लाल, चलो भाई चलो चलो। ये भी कह रही है जी मुझे भी खोलें, लेकिन इसको नहीं खोलेंगे। तौलिया चाहिए था तो मैंने ले लिया, क्योंकि जब लकड़ियाँ लाएंगे तो कंधे पे लाएंगे और तौलिए की ज़रूरत है नहीं। बकरियाँ जी भाग कर आगे चली गई हैं और आगे खेत भी हैं अपने, देखना पड़ेगा खेतों में ना चली जाए कुछ इधर। बकरियाँ जब आपको तंग करना शुरू कर देंगी तो मुश्किल हो जाता है जी उनको संभालना। इतवार की छुट्टी जब होती थी तो बहुत ज़्यादा हम खुश होते थे कि आज इतवार है और आज सारा दिन हम या तो माल मवेशियों के साथ गुजारेंगे या फिर अपनी मौज मस्ती में क्रिकेट खेलते हुए गुजारेंगे। लेकिन आज जब टाइम आया जी, जब छुट्टी होती है तो वो मज़ा नहीं होता, क्योंकि जो जितने भी हम कज़न्स इकट्ठे हुआ करते थे बचपन में, अब हर कोई अपने अपने काम पर होता है तो इकट्ठे नहीं होते, अकेले ही जाना पड़ता है। चाहे लकड़ियाँ बनानी हो, मवेशी लेके जाना हो, तो वो बात नहीं रही। एक टाइम था जब हम ऐसे माल मवेशी खोलते थे तो सारे कज़न इकट्ठे जाया करते थे चराने के लिए और नहाने के लिए भी इकट्ठे नहाएंगे, लेकिन आज इस टाइम में वो बात नहीं रही। मैं जा रहा हूँ माशाल्लाह बकरियाँ लेकर, कज़न की भी बकरियाँ मेरे साथ हैं, लेकिन मैं अकेले हूँ इस जगह पर जी। काफ़ी दिनों बाद में आया हूँ, एक व्लॉग में आपने देखा होगा मैं और कज़न आए थे यहाँ पर बकरियाँ चराने के लिए, उस टाइम सर्दी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज इतनी ठंड नहीं रही क्योंकि मौसम चेंज हो चुका, मौसम बाहर की आमद आमद है, बल्कि ये कह सकते हैं जी बाहर आ चुकी है, तो अभी वो सर्दी नहीं रही। तो यहाँ से अगर पहले देखा जाता था तो बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल था, मतलब कि पत्ते दरख्त पौधे सब कुछ सूखे हुए थे, लेकिन अभी से अगेन मौसम बाहर की वजह से सारे उगना शुरू हो चुके हैं, सर सब्ज़ा आहिस्ता आहिस्ता से होना शुरू हो चुका है। और एक टाइम बाद मैं आपको भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह यहीं से ही, तो आप देखेंगे जी सब्ज़ा कैसे हो जाएगा और ये सही तरह से सीनरी नज़र आएगी। तो अभी जो जड़ी बूटियां हैं बकरियां वो खा रही हैं, अदरवाइज़ उस तरह से चारा नहीं है, जो भी जड़ी बूटी नहीं मिलती है ये खा जाती हैं। इनको यहाँ छोड़ने के बाद जी मैं जाऊँगा भाईजान के पास, भाईजान भी काम में हाथ बटाएंगे मेरा, असल में कुछ लफ्ज़ सही तरह से अदा नहीं होते। तो फिर मैं लकड़ियाँ यहाँ से घर लेके जाऊँगा, बकरियाँ मेरी यहीं पर चलेंगी इंशाल्लाह, उम्मीद है यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, नहीं तो मुझे डांट सुनना पड़ेगी जी किसी की। तो अभी इनको नीचे करके मैं चलता हूँ जी, जो लकड़ियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं इनको उठाकर घर छोड़ना है, तकरीबन 5-7 चक्कर होंगे मेरे, आधा घंटा लग जाएगा आसानी से। तो उसके बाद फिर अगेन बकरियों के पास आ जाएंगे। आज की जो रूटीन है इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और मेरी कोशिश यही होती है कि डेली की रूटीन आपके साथ शेयर करूँ, अगर डेली ना कर सकूँ तो दूसरे दिन या तीसरे दिन मेरा व्लॉग आ जाए, तो मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से वीडियो मैं बना नहीं सकता। अगर बन भी जाए तो एडिटिंग करने में थोड़ा मसला हो जाता है, मतलब कि मैं लेट हो जाता हूँ, तो वो व्लॉग जो हफ्ते बाद जाकर अपलोड होता है तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता हूँ मैं। अगेन कोशिश करता हूँ कि ना लेट हूँ। ये रहा जी अपना खेत, उस खेत के साथ ही यहाँ पर छोटा सा बाग है, वो अंकल का है अपने। तो अभी मैंने यहाँ से मरूद तोड़ा है, अगर वो देख रहे हैं तो चोरी नहीं है, हम ऐसे ही खाते रहते हैं, उनको पता भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि पहले दरख्त बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, अब उतने नहीं हैं, लेकिन ये देखें जी अमरूद माशाल्लाह बहुत ही मज़े के लगे हुए हैं यहाँ पे। एक इधर रहा, दो तीन ऊपर, मतलब इस दरख्त में बहुत से अमरूद लगे हुए हैं, ये देखें आप, और माशाल्लाह सारे पके हुए हैं। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने एक तोड़ा है, ये भी दो तीन दरख्त हैं, इसमें माल्टे के भी हैं, मतलब कि खट्टे हैं जो। यहाँ पहले बहुत ज़्यादा दरख्त हुआ करते थे लेकिन अब नहीं, और जो हैं उनमें से यही बचे हैं, और इसमें अच्छी तरह से अमरूद लगते हैं और अभी लगे हुए भी हैं, और माशाल्लाह बहुत ही मीठा अमरूद है जी इस बाग का। एक दो तीन, ये तीन गड्ढे हैं जी, एक करके लेके जाना पड़ेगा, और क्योंकि ये बहुत मैंने बड़े बांध दिए थे, भारी भी हैं,
तो ये कुछ सीन है इस दरख्त का, ये मैंने खुद काटा था और इसी की ये सारी लकड़ी है भाई साहब, ऐसे काम होते हैं जी हमारे गांव में, ये सब कुछ करना पड़ता है और बहुत ही मुश्किल काम होते हैं। और जो मैंने गड्ढा उठाया है ये मैंने बहुत ही गलत उठा लिया है, अब रास्ते में जाते हुए ये हर जगह फंसेगा और मैं अच्छा खासा जोर लगाने वाला हूँ जी। बहुत ही मुश्किल काम है लेकिन करने पड़ेंगे। चुके जी पेपर शुरू हो चुके हैं तो ये ड्यूटी भी बहुत सख्त है, सारे बच्चों के इकट्ठे शुरू हो चुके हैं और हमारे कुछ बच्चे पाँचवीं जमात में हैं और कुछ सातवीं में छठी में, तो ऐसे ही एक साथ सबको नहीं ले जाया जा सकता, भारी पे काम होता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी छोड़ने के लिए और बाद में जाऊँगा जी वापस लाने के लिए। तो टाइम जो है वो पाँचवीं जमात का 12:30 है, तो अभी 12 बज चुके हैं, तो टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं जी। भी नौजवान जी पहुंच चुके हैं ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए, मैं भी काम जल्दी जल्दी से ख़त्म करके जा रहा हूं। मेरे साथ आदिल है और हमारी आधी टीम पहुंच चुकी है लेकिन आधी नहीं पहुंची अभी तक, और भाई लोग कह रहे थे आप चलें हम आ जाएंगे पीछे। तो अभी टाइम 5:15 का हो रहा है, हमें 5 बजे पहुँचना होता है या 4:45, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको ख़त्म करने में इतना टाइम लग जाता है। तो अभी टाइम 5:15 में और 6:15 तक हम अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा है, 1 गेम हो जाएगी या 2 गेम में आसानी से हो जाएंगी, जल्दी जल्दी से हम जा रहे हैं। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट सुबह जी हो चुकी है और अभी टाइम 10 के करीब करीब हो रहा है। और अभी जी मैंने नाश्ता किया है, आज आँख थोड़ी लेट खुली है सुबह, और पहले जो काम हुआ था जी माल में सीखा वो मैंने ख़त्म किया, उसके बाद नाश्ता किया और अभी जी मैं दुकान पर जा रहा हूँ। मगरब का टाइम हो चुका है, बहुत ही मज़े की हवा चल रही है। अभी जी मैंने नमाज मगरब अदा की है और बहुत ही मज़े की हवा चल रही है, सुकून मिल रहा है जी दिल को। तो अभी मैं अपने छत पर हूँ और मैं इंजॉय कर रहा हूँ जी हवा को। आज बादल छा गए, हो सकता है जी बारिश हो, यहाँ से मामला यहाँ पे बिल्कुल साफ़ है, लेकिन इस जानब जी बादल छा चुके हैं। 1.5 घंटा पहले बहुत ही घने बादल छा गए थे लेकिन इस जानब अभी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ऐसे नीचे अभी हैं थोड़े थोड़े। आज का दिन जो इतना मसरूफ़ नहीं था, बोरियत में गुजरा। कल वाला भी जैसे आपने व्लॉग में देखा तो कुछ ज़्यादा खास करने को था नहीं, तो ऐसे ही घर में ही सारा टाइम गुजरा। आज का व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं, देखिए मन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह जी जो ही मैंने बारिश का नाम लिया, हो सकता है हो या ना हो, अल्लाह ताला की रहमत बरसना शुरू हो चुकी है, ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।